यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंसेस एंड सीरीज ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शंस डिफाइंड ऑन द सेम डोमेन। इसमें हम आपको दो वीडियो दे चुके हैं, दो लेक्चर मेरे हो चुके हैं, एक फाउंडेशन और एक बेसिक्स का, ये तीसरा वीडियो है। इसमें हम चर्चा करेंगे पॉइंट वाइज एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की। सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स आप खूब पढ़े हैं, अब आप पढ़ रहे हैं रियल वैल्यूड फंक्शंस के सीक्वेंस एंड सीरीज के कन्वर्जेंस के बारे में। तो चूंकि अब फंक्शंस इन्वॉल्व हो गए हैं और फंक्शन डोमेन के किसी पॉइंट पे ऑपरेट करके एक रियल वैल्यू आपको देता है, तो चूंकि अब फंक्शन एफ है तो एफ ऑफ एक्स भी आपको बोलना पड़ेगा, तो एफ ऑफ एक्स में एक्स आ गया तो एक्स की कोई भूमिका होगी, इसी भूमिका के कारण हमें पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की स्थिति मिलती है। तो आप देखें ए पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस सीक्वेंस एफ एन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शंस ईच डिफाइंड ऑन, सारे के सारे एक ही डोमेन पे डिफाइंड होंगे, डिफाइंड ऑन कॉमन डोमेन कैपिटल एक्स विच इज प्रॉपर सबसेट ऑफ आर इज सेट टू बी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट to a function f defined on the same domain x if for each x, और ये x कहां से लिया जाएगा, डोमेन से, एंड फॉर एनी epsilon ग्रेटर देन जीरो देयर exists पॉजिटिव इंटीजर m belonging to n such that mod fn of x minus f of x is less than epsilon for all n greater than or equal to m। इक्विवेलेंटली इसी को हम देखिए ऐसे लिख रहे हैं, सीक्वेंस fn कन्वर्जेस टू f पॉइंट वाइज इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट्स एम बिलोंगिंग टू कैपिटल एन, ब्रैकेट में लिखे एम डिपेंड्स ऑन एक्स एंड एप्सिलॉन बोथ सच दैट mod fn of x minus f of x is less than epsilon for all n greater than or equal to m। डेफिनेशन ये बहुत क्लियर है ये वाला ना, और इसी को हम इक्विवेलेंटली ऐसे लिख सकते हैं। बस यही ध्यान रहे कि ये जो इवेंट है ये हर x के लिए, जैसे कि x इक्वल टू एक्स वन के लिए m इक्वल टू एम वन एग्जिस्ट करे, x इक्वल टू एक्स टू के लिए m इक्वल टू एम टू एग्जिस्ट करे, x इक्वल टू एक्स थ्री के लिए m इक्वल टू एम थ्री एग्जिस्ट करे, है ना, फॉर ईच x देयर एग्जिस्ट्स m, हर x के लिए एक एक पॉजिटिव इंटीजर m एग्जिस्ट करे, ये सारे m's बराबर होंगे या डिस्टिंक्ट होंगे इस पर कोई बातचीत नहीं की जा रही है। x1 के लिए जो m एग्जिस्ट किया, x2 के लिए जो m एग्जिस्ट किया, x3 के लिए जो m एग्जिस्ट किया एंड सो ऑन, ये सारे m's डिस्टिंक्ट हों ये जरूरी नहीं है, ये सारे m's इक्वल भी हो सकते हैं, बस ये है कि हर x के लिए एक m एग्जिस्ट करे, इसको समझिएगा।
बी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, अ सीक्वेंस सीक्वेंस एफ एन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शंस डिफाइंड ऑन सेम डोमेन कैपिटल एक्स विच इज प्रॉपर सबसेट ऑफ आर इज सेट टू बी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू अ फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन द सेम डोमेन defined on x if for all x and for any epsilon greater than 0 there exists positive integer m belonging to n such that mod fn of x minus f of x less than epsilon फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू m. पॉइंट वाइज वाले में यहां लिखा था फॉर ईच x देयर एग्जिस्ट m. यहां लिखा है फॉर ऑल x देयर एग्जिस्ट m. ये कॉमन m है, देयर एग्जिस्ट कॉमन m. अगर लिख दो यहां पे तो अच्छा ही रहेगा, कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा. यानी डोमेन के जितने भी पॉइंट्स हैं उनके लिए m कॉमन एग्जिस्ट करेगा, सबके लिए एम 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 ही करेगा. पॉइंट वाइज में क्या है, एक्स वन पॉइंट के लिए एम वन, एक्स टू के लिए एम टू, एक्स थ्री के लिए एम थ्री एग्जिस्ट करेगा वगैरह वगैरह. हाँ, ये सारे एम्स एम वन एम टू एम थ्री एंड सो ऑन डिस्टिंक्ट हो ये जरूरी नहीं है. तो बस यहीं से थोड़ा पकड़िएगा, सारे एम्स डिस्टिंक्ट हो ये जरूरी नहीं है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में. तो दो स्थितियां पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में आएंगी ना, एक सारे एम्स डिस्टिंक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है, यानी सारे इक्वल भी हो सकते हैं, और सारे इक्वल हो ये जरूरी नहीं है. तो जो सब इक्वल होंगे तो वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का केस बन जाएगा. इसका मतलब यदि सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट जरूर होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में क्या है, सारे एक्स के लिए कॉमन एम एग्जिस्ट कर रहा है. तो इसी डेफिनेशन को हम इक्विवेलेंटली ऐसे लिख दें और आगे वैसे लिखा करेंगे. सीक्वेंस एफ एन कन्वर्जेंस टू फंक्शन एफ यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली इफ फॉर एवरी एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो there exists positive integer m bracket में लिखिए m depends on epsilon and is independent of x bracket closed such that mod fn of x minus f of x is less than epsilon for all n greater than or equal to m and for all x belonging to capital X. तो डेफिनेशन ऐसे लिखा जाएगा, हम ये कंसेप्ट है और समझ तो आप गए ही होंगे. एक बार फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में हर x के लिए अलग अलग m एग्जिस्ट करता है. ये जो अलग अलग m एग्जिस्ट किए हैं ये सारे डिस्टिंक्ट हों ये जरूरी नहीं है, सारे इक्वल हों ये जरूरी नहीं है, मे बी डिस्टिंक्ट मे बी इक्वल. यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में डोमेन के सारे पॉइंट्स x के लिए कॉमन m एग्जिस्ट करेगा. तो मोटी मोटी तौर पे हम समझ लें कि जब सीक्वेंस का कन्वर्जेंस पॉइंट एक्स पर डिपेंड करेगा ना, उसकी बातचीत उस पर डिपेंड कर जाएगी, तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस नहीं डिपेंड करेगी,
इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स रहेगा तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। नोट, फ्रॉम द डेफिनेशन इट इज क्लियर दैट fn is uniformly convergent implies that sequence fn is pointwise convergent but converse is not true. Example, consider the sequence fn where fn of x equal to x upon n for all x belonging to capital R. Limit n tends to infinity, fn of x equal to limit n tends to infinity, x upon n equal to 0 for all x belonging to capital R. अगर x 0 है तो 0 upon n, पहले 0 upon n equal to 0, फिर उस 0 के लिमिट भी 0, और x अगर नॉन जीरो है तो नॉन जीरो नंबर बटे epsilon equals to 0. इसका मतलब यह हुआ कि जो सिक्वेंस fn है वो कन्वर्ज कर गया किसको, यहां पे हम अगर लिखना चाहें तो लिख दें इक्वल टू ओ कैप ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल आर, वेयर ओ कैप इज नल फंक्शन, जीरो फंक्शन, सो सीक्वेंस एफ एन कन्वर्जेस टू नल फंक्शन, दिस सीक्वेंस ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शंस कन्वर्जेस टू नल फंक्शन। ये कन्वर्जेंस हम चेक करेंगे कि ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं है, तो कन्वर्स इज नॉट ट्रू हो गया ना। यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा ही, यदि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है तो जरूरी नहीं यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो, इसी पर बेस्ड है न्यूमेरिकल है। तो आइए देखें, इसको दिखाएं कि ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है, ये जो कन्वर्जेंस है इसका नेचर है पॉइंट वाइज नॉट यूनिफॉर्म। नंबर एक, मॉड एफ एन ऑफ एक्स माइनस f ऑफ x जिसको कन्वर्ज किया तो ओ कैप ऑफ x इक्वल टू मॉड एफ एन ऑफ x माइनस 0 इक्वल टू मॉड एफ एन ऑफ x इक्वल टू मॉड x अपॉन n, n पॉजिटिव इंटीजर है मॉड से बाहर हो जाएगा मॉड x अपॉन n, ये एप्साइलन से छोटा कब होगा, इफ n है एप्साइलन है, इफ n इज ग्रेटर देन मॉड एक्स अपान एप्सिलॉन, दस फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट्स एम बिलोंगिंग टू कैपिटल एन, एम इज ग्रेटर देन मॉड एक्स अपान एप्सिलॉन, m depends on x as well as epsilon such that mod fn of x minus o cap of x is less than epsilon for all n greater than or equal to m and m is greater than this, to ye n greater than this ho jayega na, to ye ghabraiye mat kaise likha jata hai। Hence, sequence fn converges to function o cap pointwise. Here, ये pointwise है। अब ये uniformly convergent नहीं है, इसको दिखाइए। तो इसको हम contradiction से दिखाएंगे। मान लिया कि uniformly convergent है। Let sequence fn converges to null function uniformly. Then,
फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट्स एम बिलोंगिंग टू कैपिटल एन. एम डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन एंड एक्स बोथ सच दैट मॉड एफ एन ऑफ एक्स माइनस ओ कैप ऑफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स. दिस इंप्लाइज दैट मॉड एफ एन ऑफ एक्स माइनस ओ कैप ऑफ एक्स हमने अभी निकाला था कितना आया था मॉड एक्स अपॉन एन. तो हो गया मॉड एक्स अपॉन एन इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स. Implies that mod x upon n less than 1 for all n greater than or equal to m and for all x belonging to capital X choosing epsilon equal to 1 क्योंकि epsilon arbitrary है हम कुछ भी positive number ले सकते हैं epsilon की जगह. In particular ये इनइक्वलिटी n के सभी उन मानों के लिए होल्ड कर रही है जो n m के बराबर अथवा उससे बड़े हो. तो n इक्वल टू m के लिए हम पर्टिकुलर केस ले रहे हैं मॉड x अपॉन m इज लेस देन 1. अब इसको नहीं लिखेंगे तुम पर्टिकुलराइज कर दिए इसको लिखेंगे फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू कैपिटल x. यदि यह सिक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है जीरो फंक्शन को तो ऐसा होना चाहिए. अब गौर से देखिए x के हर x के लिए यह चीज ट्रू नहीं है विच इज नॉट ट्रू विच इज नॉट ट्रू डोमेन. देखो शुरू में क्वेश्चन में हमने डोमेन लिखा था R ना फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R. तो ये जो x हम लिखते चले आ रहे हैं इस x को आप R कर दो x इक्वल टू R जहां जहां भी लिखा है विच इज नॉट ट्रू फॉर x इक्वल टू m विच बिलोंग्स टू R. x इक्वल टू m कर दोगे तो यहां 1 आ जाएगा 1 इज लेस देन 1 नॉट ट्रू. जहां भी हमने कैपिटल x लिखा है पूरे में तो कैपिटल x ऐसे इक्वल टू R कर दो क्योंकि देखो क्वेश्चन जो हमने लिखा था उसमें हमने लिखा था फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R माने डोमेन कौन है R है. इज इट करेक्ट. Therefore, sequence Fn is not uniformly convergent. Is not uniformly convergent to zero function. तो हमने एक example लिया जिसमें sequence pointwise convergent to zero function तो है but not uniformly convergent to zero function. एक एग्जाम्पल और हम देख लें जल्दी से. कंसीडर द सीक्वेंस सीक्वेंस एफ एन वेयर एफ एन ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एन एक्स इज कन्वर्जेंट फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो बट नॉट यूनिफॉर्मली बट नॉट यूनिफॉर्मली. इसमें पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की चर्चा नहीं करनी है. ये कहा है कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा लेकिन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा. और कन्वर्जेंट कब कब होगा जब एक्स जीरो के बराबर हो जब एक्स जीरो के बराबर ना हो. लेकिन इस परिस्थिति में यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा. जल्दी जल्दी देखिए फटाफट. पहला केस व्हेन एक्स इक्वल्स टू जीरो एफ एन ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर जीरो यानी कि 1 फॉर ऑल x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट f1 ऑफ x इक्वल टू 1 f2 ऑफ x इक्वल टू 1 f3 ऑफ x इक्वल्स टू 1 एंड सो ऑन.
डोमेन है एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो. देयरफॉर एफ वन इक्वल टू एफ टू इक्वल टू एफ थ्री इक्वल टू सो ऑन. लेट अस सपोज दैट ऑल इक्वल टू एफ. किस डोमेन में? इन जीरो इन्फिनिटी. ऐसे भी लिख सकते हैं इस चीज को ना. ये देखो जीरो क्लोज्ड है, इन्फिनिटी तो क्लोज हम कर ही नहीं सकते. दिस इंप्लाइज दैट सिक्वेंस एफ एन इज इक्वल टू सिक्वेंस एफ कामा एफ कामा एफ कामा सो ऑन विच इज कॉन्स्टेंट सिक्वेंस. या लिख दीजिए विच इज कन्वर्जेंट ड्यू टू बीइंग कॉन्स्टेंट सिक्वेंस. जिस सिक्वेंस के सारे टर्म्स समान हो, इक्वल हो, उसको कॉन्स्टेंट सिक्वेंस कहते हैं. इसकी लिमिट निकालिएगा तो क्या लिमिट आएगा? एफ ही आएगा. ड्यू टू बीइंग कॉन्स्टेंट सिक्वेंस तो ये हमने बता दिया कि फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो ये कन्वर्जेंट है. यहां फिर एक बार लिख दें फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो. एक्स इक्वल टू जीरो के लिए सीक्वेंस कन्वर्जेंट है. व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एन एक्स. एक्स जीरो नहीं है तो हो जाएगा ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी. ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू जीरो इक्वल टू ओ कैप ऑफ एक्स. देयरफॉर सीक्वेंस एफ एन कन्वर्जेस टू नल फंक्शन. तो अब हम ये कहने की स्थिति में हो गए हैं कि दिया हुआ सीक्वेंस एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो के लिए कन्वर्जेंट है. तो एक रिजल्ट हो गया. दस सीक्वेंस एफ एन इज कन्वर्जेंट फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो. लेकिन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट के साथ ऐसी बात नहीं है. एक्स इक्वल टू जीरो के लिए तो कांस्टेंट सीक्वेंस आ गया. कांस्टेंट सीक्वेंस का मतलब है एक्स से कोई मतलब है नहीं. एक्स कुछ भी होगा, सारे टर्म्स एफ 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 थे ना, तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कांस्टेंट सेम वैल्यू. एक्स पर निर्भर ही नहीं करेगा तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हुआ. तो अब हम बात कर रहे हैं बीइंग अ कांस्टेंट सीक्वेंस. कांस्टेंट सीक्वेंस हमेशा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा क्योंकि देखो कांस्टेंट सीक्वेंस में कांस्टेंट फंक्शन होंगे ना सब, और सारे इक्वल फंक्शन होंगे. तो कांस्टेंट फंक्शन आप जानते हो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कांस्टेंट फॉर ऑल एक्स. एक्स कुछ भी रहे यानी एक्स पर निर्भर ही नहीं करना, उसे डिपेंड ही नहीं होना है. बीइंग अ कांस्टेंट सीक्वेंस सीक्वेंस एफ एन इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट. कब? जब एक्स जीरो के बराबर हो. और जब x जीरो के बराबर नहीं है तब देखिए व्हेन x नॉट इक्वल टू जीरो. हम दिखाएंगे कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है तो वही कंट्राडिक्शन से दिखाएंगे. मान लिया यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है. लेट सीक्वेंस एफ एन कन्वर्जेस टू नॉट इक्वल टू जीरो के केस में किसको कन्वर्ज किया था? जीरो फंक्शन को. ओ कैप यूनिफॉर्मली मान लिया हमने. देन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एम बिलोंगिंग टू कैपिटल एन. एम डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स सच दैट मॉड एफ एन ऑफ एक्स माइनस ओ कैप ऑफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स. सब ने लिख दीजिएगा कैपिटल एक्स की जगह क्या लेके चल रहे हैं? एक्स बिलोंगिंग टू आर है. फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल आर इम्प्लाइज दैट मॉड एफ एन ऑफ एक्स इज गिवन टू बी ई टू द पावर माइनस एन एक्स माइनस ओ कैप ऑफ एक्स जीरो होगा इज लेस देन एप्साइलन एप्साइलन
फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल आर, जैसे हम किए थे पहला वाला एग्जाम्पल वैसे इसको भी प्रोसीड करना है। आगे बढ़ते हैं। इम्प्लाइज दैट, देखो मॉड के अंदर एक्सपोनेंशियल क्वांटिटी है, एक्सपोनेंशियल क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, मॉड से बाहर हो जाएगा। ई टू द पावर माइनस एन एक्स लेस देन एप्सिलॉन को हमने 1/5 ले लिया फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल आर चूजिंग एप्सिलॉन इक्वल टू 1/5 इन पर्टिकुलर एन की जगह एम ले लो ई टू दी पावर माइनस एम एक्स लेस देन 1/5। अब इसे ना लिखिएगा, इसको हम पर्टिकुलराइज कर लिए, अब इसको लिखिएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। तो ये जो आप माने थे कि माना सीक्वेंस जीरो फंक्शन को यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कन्वर्ज करेगी तो ऐसा होना चाहिए, बट इट इज नॉट ट्रू, बट इट इज नॉट ट्रू फॉर एक्स इक्वल टू 1/m विच इज एन एलिमेंट ऑफ आर। क्यों नहीं करेगा, अलग से देख लें आप, है ना। फॉर एक्स इक्वल टू 1/m ई टू द पावर माइनस एम एक्स विल बी ई टू द पावर माइनस 1, ई टू द पावर माइनस 1 माने 1/e इक्वल टू 1/e, ई की वैल्यू 2.718 और इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो आएगा 0.368 ना, और ये इससे छोटा नहीं है, ये बड़ा है किससे, 1/5 से, 1/5 माने 0.2, तो 0.2 से 0.3 बड़ा होगा ना। देयरफॉर सीक्वेंस एफ एन इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू जीरो फंक्शन when x greater than 0। तो देखो x इक्वल टू 0 के लिए भी, x greater than 0 के लिए भी कन्वर्जेंट तो था, लेकिन x इक्वल टू 0 के लिए यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, x greater than 0 के लिए यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। तो x greater than or equal to 0 के लिए हम कौन सा रिजल्ट बोलेंगे, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। ये था एक टर्म और देख लें, पॉइंट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, पॉइंट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसका डेफिनेशन बहुत मजेदार है, ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। इफ अ सीक्वेंस एफ एन इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट फॉर x इक्वल टू k एंड सीक्वेंस एफ एन इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इन एनी नेबरहुड, एनी नेबरहुड ऑफ k। अब k का नेबरहुड देखो, हम रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं ना, तो रियल नंबर लाइन पर नेबरहुड ये पॉइंट k हो गया, तो k का नेबरहुड यही होगा, ओपन इंटरवल सेंटर्ड एट k, एनी ओपन इंटरवल सेंटर्ड एट k, एनी ओपन इंटरवल हुज मिडिल पॉइंट इज k इज कॉल्ड अ नेबरहुड ऑफ k, इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इन एनी नेबरहुड ऑफ k, देन x इक्वल टू k इज कॉल्ड अ पॉइंट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, पॉइंट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। ऐसा अलग से फिर इसकी हम चर्चा कर दे रहे हैं। मान लीजिए हमारा डोमेन कैपिटल आर है, इफ सीक्वेंस एफ एन हैज नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस
इन कैपिटल आर, पूरे कैपिटल आर में, एक्सेप्ट एक्सेप्ट फॉर एक्स इक्वल टू के, पूरे आर में नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है एक्स के किसी वैल्यू के लिए, बस एक को छोड़ करके एक्स इक्वल टू के को, देन के इज सेट टू बी पॉइंट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस। देखो बच्चों, थोड़ा सा भाव अलग निकलता है, डेफिनेशन कुछ और है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पॉइंट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, किसी पॉइंट को हम कह रहे हैं और उस पॉइंट के लिए सीक्वेंस क्या यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। जिस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस कह रहे हैं उस पॉइंट के लिए सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, लेकिन उस पॉइंट के इधर उधर के पॉइंट्स के लिए नॉन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस रखता है सीक्वेंस। ध्यान से ना, बहुत ध्यान से। इसके बाद एक फैक्ट और देख लें। कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस ऑफ इन्फाइनाइट सीरीज ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शंस, नंबर एक, सिग्मा यूएन है ना, ये सब के सब डिफाइंड है, नहीं लिख रहा हूं। यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री, ये सारे जो टर्म्स हैं ना, ये रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं, डिफाइंड ऑन द सेम डोमेन, कॉमन डोमेन एक्स, प्रॉपर सबसेट आर, इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट ऑन एक्स इफ सीक्वेंस एफ एन इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। नंबर टू, सिग्मा यू एन इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन एक्स विच इज प्रॉपर सबसेट ऑफ आर इफ सीक्वेंस एफ एन इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन एक्स वेयर एफ एन इज एनथ पार्शियल सम यू वन प्लस यू टू प्लस सो ऑन प्लस यू एन। बस यही कॉन्सेप्ट सीरीज का है। तो इस वीडियो की साइज थोड़ी बड़ी हो गई है, अगला वीडियो हम थोड़ा छोटा कर देंगे, बैलेंस कंपनसेट हो जाएगा, साइज कंपनसेट हो जाएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।